का फोकस काफ़ी चौड़ा है और इसकी रेंज हमें अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, जो कि 300 से 400 मीटर की रेंज हमें मिल जाती है। यहाँ पे देखिए अंधेरे में कैसा दिख रहा है, और ये वो देखिए कार के नीचे साफ, कितना साफ, और इसकी फोकस चौड़ा है, ये अच्छा लग। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मनीष टेक पे आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपके सामने विप्रो टॉर्च का की अनबॉक्सिंग करूँगा। ये देखिए अमेजोन से मैंने ये विप्रो की टॉर्च मंगाई, विप्रो रेडियंट डुअल LED टॉर्च लाइट इसको बोलते हैं दोस्तों। इसकी मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगा दोस्तों। ये आ जाती है हमारी विप्रो की रेडियंट डुअल LED टॉर्च। इसमें एक टॉर्च मोड आ जाता है, ये 3 वाट की LED टॉर्च है इसमें, और 5 वाट की ये जो इसमें लैंप मिल जाता है। इसमें लिथियम बैटरी हमें मिल जाती है दोस्तों। इसे इनिशियल में 10 से 12 घंटे इनिशियल चार्जिंग करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इससे टॉर्च आपकी चलेगी नहीं बैटरी। और इसकी बॉडी वगैरह को ज़्यादा थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, इतनी भी ज़्यादा मजबूत नहीं है ये, और अपने रेट के हिसाब से ठीक है दोस्तों। ये हमें 400 रुपये की मिल जाती है और डिलीवरी चार्जेस मिला के 450 करीबन पड़ जाती है। इसमें लैंटर्न मोड भी है जो कि 5 वाट की LED जिसमें मिल जाती है दोस्तों। इसका ये 2 घंटे का बैकअप देती है बैटरी बैकअप। इसमें हमें यहाँ पे टांगने के लिए भी एक जो है मिल जाता है, और इसको चार्जिंग करने के लिए ये चार्जिंग इसी में चार्जिंग अडैप्टर इसी में लगा हुआ है दोस्तों। इसे 15 से 20 घंटे इसमें लिखा हुआ चार्ज करना पड़ता है। और इसमें 3 वाट की टॉर्च मोड में 3 वाट की LED है, और सामने वाला लैंटर्न मोड में 5 वाट की LED है दोस्तों। इसमें 690 का हमें प्राइस लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन हमें इससे सस्ते में मिल जाती है। अप्रैल 21 की मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही टॉर्च दोस्तों। ये इस तरह के इसमें कट्स बना के इसका लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है इस डिज़ाइन की वजह से। यहाँ पे एक सील टेप थी जो मैंने हटा दी है दोस्तों। यहाँ पे हमें इस टॉर्च में ये इसका ग्लास प्लास्टिक का मिल जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी टूटेगा नहीं। पर ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, ये अभी कहीं जो है इसमें स्क्रैच वगैरह पड़ गए तो इससे थोड़ा सा दिखाई कम देगा, बाकी ये मजबूती में सही है टॉर्च, और इसकी बिल्ट क्वालिटी अच्छी है। इसमें हमें दोस्तों स्टार्च में हमें ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है दोस्तों। स्टार्च में हमें ग्रिप अच्छी मिल जाती है दोस्तों। अभी यहाँ से हम इसको ऐसे करके चार्जिंग में लगा देंगे, और यहाँ पे एक LED लाइट भी मिल जाती है, इससे पता चलता है चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है टॉर्च। चार्जिंग हो जाएगी तो LED बुझ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा इसका मुझे, और कहीं भी टांगना है खूटी उटी पे तो इसके लिए हमें ये एक सेप दिया हुआ है, इसमें हम आराम से इसको टांग सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों। इसको लाइट बुझा के दिखाना पड़ेगा, जला के बुझा ऑफ कर दिया ना दोस्तों। ये इस तरह से, मैं पढ़ने के लिए तो रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन पढ़ सकते हैं इसमें। लेकिन ये जैसे ही आधा एक घंटे चलेगी ना तो इसकी लाइट थोड़ी डिम हो जाएगी, तो पढ़ने के लिए तो रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन खाना वाना खाने के लिए लाइट ना रहे तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने खाने के लिए, घर के नॉर्मल यूज़ के उजाले के लिए अगर लाइट चली जाए तो हम एज इमरजेंसी लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी इसमें टॉर्च लाइट है जिसका फोकस बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये अंधेरे में अच्छी दिखाई पड़ती है, इसका फोकस अच्छा है अंधेरे में, ये देखिए दूर तक जाता है इसमें, और काफ़ी बड़े स्पेस में दिखाती है ये, फोकस करके काफ़ी बड़े स्पेस में दिखाती है तो अच्छा रहता है। तो काफ़ी बड़े एरिया में ये फोकस करती है टॉर्च, इसलिए इसका मुझे अच्छा लगा है दोस्तों। इस टॉर्च में हमें 1200 mAh की बैटरी लिथियम बैटरी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें। मुझे लगा था कोई और निकल कैडमियम बैटरी है, लेकिन इसमें लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है हमें, तो इसलिए सही रहता है इसका। 1200 mAh की बैटरी है तो इसमें 2 घंटे का हमें बैकअप मिल जाता है।
बाद में इसको हम इसका यूज़ करके रिव्यू देंगे ज़रूर, उससे पता चल जाएगा ये कैसी काम करती है। दोस्तों यहाँ पे इसमें हमें 12 एलईडी लाइट मिल जाती है, जो सारी एक एलईडी 0.5 वाट की है। टोटल इसका 5 वाट का इसका कंजम्पशन होता है। दोस्तों ये देखिए, इसका फोकस काफ़ी चौड़ा है और इसकी रेंज हमें अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, जो कि 300 से 400 मीटर की रेंज हमें मिल जाती है। यहाँ पे देखिए अंधेरे में कैसा दिख रहा है, और ये देखिए वो देखिए कार के नीचे सब कितना साफ, और इसकी फोकस चौड़ा है, ये अच्छा लग रहा है हमें, ये अच्छा है हमें काफ़ी। दोस्तों इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।